लुधियाना में बोले सीएम केजरीवाल, पंजाब विरोधी सिंड्रोम से पीड़ित है केंद्र। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर पंजाब विरोधी सिंड्रोम से ग्रस्त होने का रविवार को आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें दंडित करने को कहा। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से उनकी पार्टी को राज्य से लोकसभा की सभी 13 सीट पर विजयी बनाने की अपील की। सीएम केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए पंजाब की झांकी को कथित तौर पर अस्वीकार करने के लिए भी केंद्र को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये पंजाबियों का अपमान है। उन्होंने कहा कि राज्य के शहीदों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए केंद्र से एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र पंजाब विरोधी सिंड्रोम से ग्रस्त है, जिसके कारण उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों के सुचारू कामकाज में बाधाएं पैदा करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा ये केंद्र की मनमानी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ एक सभा को संबोधित कर रहे थे। केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, यहाँ सरकार व्यापार मिलनी कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यहाँ सरकार व्यापार मिलनी कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया। बाद में मान ने एक सभा को संबोधित करते हुए दोहराया कि इन बैठकों के रूप में अपनी तरह की पहली पहल का उद्देश्य व्यापारिक समुदाय की भलाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ये राज्य के आर्थिक विकास को गति देकर उसके प्राचीन गौरव को बहाल करने की दिशा में एक कदम है। मान ने कहा कि उद्योग और व्यापार हर राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसके कारण इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केजरीवाल ने लोगों से लोकसभा चुनाव में आप उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे मान के हाथ भी मजबूत होंगे। इससे पहले यहाँ एक स्कूल ऑफ एमिनेंस के उद्घाटन के दौरान एक अन्य कार्यक्रम में केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा, आप देख रहे हैं कि केंद्र हमें कैसे परेशान कर रहा है। दिल्ली में मैं उससे निपट रहा हूँ, लेकिन पंजाब में मान भाजपा केंद्र और राज्यपाल से लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, केंद्र ने पंजाब का 8,000 करोड़ रुपए रोक रखा है, वे इसे जारी नहीं कर रहे हैं। ये उनका पैसा नहीं है, ये पंजाब के लोगों का है। इस पैसे से बहुत सारे विकास कार्य किए जा सकते हैं। बाद में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि मान सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया। और जिस तरह से समीर जैन साहब भावुक हुए, उनको देख के मैं भी भावुक हो गया। मुझे भी लगा वो उनकी फीलिंग्स थी, वो उन्होंने कोई एक्टिंग नहीं की। जिस तरह से और सभी दुग्गल साहब, शर्मा जी, मैं देख रहा था, नोट कर रहा था मैं, कई सारे जिस तरह से लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, सबने कोई बनावटी नहीं कर रहा था, सब अपने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है कि आज जिस तरह से हम दो मुख्यमंत्री आपके सामने बैठ के आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समाधान भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा केवल सुन के चले जाएंगे, जितनी बार आए आपकी समस्याएं, 100 समस्याएं देते हैं, हम कोशिश करते हैं सारा समाधान करने की, कुछ रह भी जाती हैं उनका भी समाधान होगा। आज भी आपने जितनी समस्याएं दी हैं उनका भी समाधान होगा। लेकिन क्या 75 साल में कभी किसी सरकार ने इस तरह से बैठ के आपके साथ बातचीत की? नहीं की। उन्होंने कभी आपको अपने बराबर समझा ही नहीं। पहली बार एक सरकार आई है जो इस तरह से आमने सामने बैठ के बात कर रही है आपकी समस्या। हम आपकी इज्जत करते हैं। पुरानी सरकारें आपको चोर समझती थी, पुरानी सरकारें समझती थी व्यापारियों से जितना चूस सकते हो चूस लो। आपकी याद कब आती थी? उनको चुनाव में याद आती थी। किस लिए याद आती थी? डोनेशन के लिए याद आती थी। अपने लोगों को भेजती थी, ये पार्टी भी भेजती थी, वो पार्टी भी भेजती थी, इस मार्केट से इकट्ठा करके ले आओ, उस मार्केट से इकट्ठा करके ले आओ, इस एसोसिएशन से इकट्ठा। हमने कभी नहीं भेजा आपसे पैसे इकट्ठे, कोई आया तो नहीं पैसे लेने आम आदमी पार्टी वाला? हमने कभी नहीं भेजा। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए जो आज तक हमें मिलता रहा है।